नगर निगम शिमला ने वीरवार को अपना 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया। अपने वार्षिक बजट में निगम ने 222.41 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया है, जो कुल आय से 24.46 लाख रुपए ज्यादा है। वहीं निगम द्वारा पेश किया गया वार्षिक बजट पिछले साल की अपेक्षा 3 करोड़ रुपए कम है। कोरोना के चलते बजट से राहत की आस लगाए बैठी शहर की जनता को इस बजट से ज्यादा कुछ नहीं मिला है, जबकि नगर निगम ने शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिसमें बिजली, कुरियर और शराब पर अतिरिक्त सेस लगाया गया है। शराब पर सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है, जबकि बिजली की यूनिट पर निगम ने सेस 10 पैसे से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया है। वहीं पिछले बजट की ही कई घोषणाएं इस बजट में दोहराई गई हैं। इसके साथ ही बीपीएल परिवारों को राहत देते हुए इस बजट में उनका कूड़ा शुल्क माफ किया गया है। इस बजट पर सहमति जताते हुए कई पार्षदों ने इसे कटकॉपी पेस्ट वाला बजट बताते हुए कहा है कि इसमें शहरवासियों को ज्यादा कुछ नहीं मिला है। वहीं कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों व अन्य वर्गों के लोगों के लिए इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं मिला है। बोझ नहीं पड़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि बजट संतुलित होगा, जनता को कोई राहत दी जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व अप्रैल माह से कोविड के दौरान हमने ये मांग की थी कि बिजली, पानी, कूड़ा टैक्स में लोगों को राहत दी जाए, और इसी मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए आकलन भी मांगा, परंतु बजट में कहीं भी इसे शामिल नहीं किया गया है। तो सरकार के विचारों की भी और जनता की भी पूर्णतः अनदेखी की गई है, जनहित में नहीं है। बताना चाहूँगा 2.5 लाख की जनसंख्या विभिन्न वर्गों के साथ नगर निगम परिधि 2 भागों में बंटी गई, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। कुछ दिवस पूर्व हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया। जैसे कि मेरे साथियों ने भी कहा और सारी व्यवस्थाएं भी हैं, कहीं ना कहीं ये बजट कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। पूर्व में भी कुछ मांगे थी जो हमसे पूरा नहीं होता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखा रहे हैं, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है। सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है, और जो विभिन्न वर्ग, कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। ज्वलंत समस्याएं हैं निगम परिधि की, पार्किंग को लेकर चर्चा हुई थी स्मार्ट सिटी में, परंतु कोई भी नया कार्य सृजित करने की बात नहीं की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बजट पूरी तरह संतुलित नहीं है। पुराने ही घोषणाओं को दोहराया गया, और जो इनको लगता था कि ये पूरा नहीं होने की स्थिति में है, उन घोषणाओं को पूरी तरह ड्रॉप भी कर दिया गया, तो पूर्व की घोषणाओं को भी शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता के साथ छलावा। जिस तरह से कोई भी टैक्स इनको नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो बिजली पे है, चाहे वो शराब की बोतल पे है, या कोई भी और जो नए ये लगा रहे हैं, वो सब गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। ये सत्या ठाकुर कौंडल जी ने अपना दूसरा बजट पेश किया है, तो मैं इनको इस बजट की बधाई देता हूँ, लेकिन ये सब आंकड़ों का मायाजाल है। शहर की जनता का जो लॉकडाउन के समय उनका एक दुर्दशा हुई है, उसके बारे में कारोबारियों को और होटलियर्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है। हाँ, एक जरूर बीपीएल वालों को जो इन्होंने कूड़ा शुल्क माफ किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं, बाकी कोई भी राहत नहीं दी गई है। जो आज का बजट है वो लगभग पुराने बजट से मिलता जुलता ही है, 2-4 नई घोषणाओं के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी मोनोरेल और जो न्यू शिमला से शोकी मार्ग जो ये बना रहे हैं, उसकी तो हम सराहना करते हैं, मगर बाकी देखा जाए तो ऑल ओवर बजट जो है लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बजट है। जो विद्युत सेस इन्होंने लगाया है, 10 पैसे से 20 पैसे बढ़ाया है, लोग ऑलरेडी बहुत जूझ रहे हैं बढ़े हुए बिलों से, तो इस चीज़ का हम तो पूरा विरोध करते हैं। और पिछले बजट में इन्होंने जब विद्युत सेस से 2 करोड़ की आमदनी दिखाई थी, तो इस बार ये कैसे 2.25 करोड़ का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ ग्रीन फीस तो हम पिछले 4 बजटों से सुन ही रहे हैं कि ग्रीन फीस हम लागू करेंगे, आज तक तो ये लागू कर नहीं पाए हैं। और लिफ्ट से जो 30% प्रॉफिट शेयरिंग की इन्होंने बात करी थी पिछले बजट में भी, वो इस बार ही कम्प्लीटली इन लोगों ने जो है अपने बजट से गायब कर दी है। हमें ये है कि ये अपने एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल नहीं करते हैं। जो काम आपका 1 रुपए में हो जाएगा, उसको 5 या 10 रुपए में करके मतलब कि एस्केलेटेड कॉस्ट्स हो जाते हैं। आपका जो काम सिंपल हो रहा है, आप उसमें ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आप उसका वो बढ़ा देते हो। जब तक आप एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपका जो बजट है वो बैलेंस नहीं होगा, है ना जी? थैंक यू। बिजली पर SSIT के थोड़ा ज़रूरत भी है, संतुलित ही है, तो जनता पे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ये जो टैक्स लगाया गया है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं?
हाँ, इसके लिए अभी हमने थोड़ा बोला है मैडम को कि इसके बारे में मैडम को बोला कि इस पर विचार करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान।